नमस्ते दोस्तों, तो मैं जा रही हूँ मलाई कोफ्ता की एक क्विक रेसिपी शेयर करने। तो मैंने अनियन को 4 से 5 अनियन को रफली चॉप कर लिया है, फिर पनीर बना लिया था। पनीर 1 केजी में थोड़ा सा कम होगा, मिल्क उसका बनाया था। तो ये देखिए, मैंने पैन में थोड़ा सा बटर लिया, उसमें मैंने ये प्याज डाले। तो मुझे प्याज से पहले खड़े मसाले डालने थे। खड़े मसाले में 2 तेज़पत्ता, 3 इलायची, 1 2 लौंग और 1 दालचीनी का टुकड़ा, ये सब डालने हैं। उसके बाद आप प्याज ऐड कर दीजिए और प्याज का कलर चेंज होने लगे तो थोड़ा सा टमाटर। उसके बाद 5 से 6 गार्लिक के क्लोव्स डाल दीजिए। गार्लिक डालने के बाद आप इसमें कैश्यूज डाल दीजिए और इसको ज़्यादा नहीं पकाना है, थोड़ा सा पक जाए तो आप इसे ग्राइंड करके छान ले। मैं छानी नहीं थी क्योंकि मैं थोड़ा जल्दी में बना रही थी। आप इसे छान ले फ्रेंड्स, वरना ये टेस्ट आता है अच्छा छानने के बाद। तो यहाँ देखिए, ये मेरा हो गया है ग्रेवी का। और यहाँ मैं बना रही हूँ मलाई कोफ्ता के लिए, जो होता है ना आलू, और ये सबको मैश कर रही हूँ। तो आलू को मैंने ग्रेट नहीं किया है, मैंने मैश कर लिया। उसमें गरम मसाला डाला, पनीर डाला, थोड़ा सा धनिया डाला, धनिया थोड़ा सा सूख गया था, और ग्रीन चिलीज, बस इतनी ही चीज़ें डाली मैंने। और हाँ, मैदा मैंने डाला था। तो मैदा या फिर कॉर्नफ्लावर भी आप डाल लें, लेकिन मैं मैदा डाली हूँ। तो फिर उसके बाद वो मेरा रेडी हो गया। ये ग्रेवी को भी मैं बना लूँगी इसका पेस्ट। तो अभी मैं ग्राइंड कर रही हूँ और उसके बाद आप इसे छान लीजिए फ्रेंड्स। तो ये देखिए, मैंने ऐसे बनाया और उसमें काजू को कूट लिया था। उसके बाद मैं इसे इसमें भर रही हूँ, इसके अंदर, और सारे बॉल्स बना लूँगी मैं। और फिर इसे शैलो फ्राई कर लें आप इसे, आप चाहे तो डीप फ्राई भी कर लें। और ये हमारे ग्रेवी के लिए भी रेडी हो गया था। और ये सारे बॉल्स मैंने बना लिए, फिर इसे मैं शैलो फ्राई करूँगी एक एक करके। और इसे फ्रेंड्स बहुत आपको केयरफुली बनाना है क्योंकि ये टूटने लगता है। अब इसमें मैं ग्रेवी डाल रही हूँ, ये मैंने छाना नहीं था तो आप छान लीजिए। और ये हमारे 4 से 5 बन गए हैं और ग्रेवी ऑलमोस्ट हो ही चुकी है। फिर इसमें मैं नमक और धनिया पाउडर, टर्मरिक पाउडर, ये सब डाल दूंगी और फिर मसाले को भूनूंगी। और उसके बाद लास्ट में बस फ्रेश क्रीम ऐड करूंगी। और ये सारे मेरे कोफ्ते भी रेडी हो गए हैं। और ये रहा मलाई, मलाई थोड़ा सही था, आप थोड़ा ज़्यादा डालें। मलाई डाल दिया मैंने ग्रेवी में, फिर इसे साथ में पका लूँगी। और उसके बाद मैं कोफ्ते को फ्लेम ऑफ करके ऐड करें, वरना ये टूट जाएगा। ये कलर ऐसा ही आ रहा है कैमरे में। तो ये हमारा कोफ्ता रेडी हो गया है, अब इसे मैं सर्व कर लूँगी। साथ में मैंने बना लिया था बासमती वाली राइस, और ये है, और चटनी थी फ्रेंड्स। थैंक यू।